अहम खबर है, कराची से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है। ज़राए ऐसा बताते हैं, अब्दुल कादिर पटेल को मज़ीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आप बताएं कि अब्दुल कादिर पटेल को 90 रोज की तहवील में लेने पर गौर किया जा रहा है। रेंजर्स की जानिब से ज़राए ऐसा बताते हैं, रेंजर्स की कादिर पटेल से कई घंटों से तफ्तीश जारी थी और अभी ये इत्तला है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल को रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया है। जी, लंदन में मुकीम थे कादिर पटेल, वहां से वतन वापस आए थे और इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से उन्होंने जमानत भी मंजूर कराई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि रेंजर्स की तरफ से उनसे मुलाकात के लिए कहा गया था। 11 बजे मुलाकात शुरू हुई थी, कई सवाल किए गए, कई घंटों से मुलाकात जारी थी। कादिर पटेल रेंजर्स के तफ्तीशी अफसरान के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके और ज़राए का ये भी बताना है कि अक्सर वो तबीयत खराबी का बहाना भी करते रहे, उनके पसीने भी छूटते रहे, ब्लड प्रेशर के हवाले से भी कहते रहे कि मेरा बीपी हाई हो गया है, लेकिन रेंजर्स की जानिब से उनके डॉक्टर ने जब मुआयना किया तो ऐसा कुछ नहीं था। सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दिए गए। उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुकात के हवाले से, लियारी गैंग वॉर के हवाले से और खालिद शहनशाह के कत्ल के हवाले से पूछे जाने वाले सवालात और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो सवालात पूछे गए हैं, तसल्ली बख्श जवाब ना देने पर अब रेंजर्स ने कादिर पटेल को मजीद तफ्तीश के लिए हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी, अपडेट कीजिएगा, कादिर पटेल को रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखो जी, कानूनी माहरीन से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि डॉक्टर आसिम केस में ये जमानत पर है, इनसे मजीद तफ्तीश की गई है, इनसे सवाल किए गए, तकरीबन 5 घंटे जायद जो है तफ्तीश जारी है जिसमें उनकी तबीयत भी नासाज हुई, उनका टीबी मुआयना भी कराया गया, जिसके बाद रेंजर्स हुकाम और तफ्तीशी अफसर ने ये राय अख्तियार की कि इन्हें मजीद तफ्तीश के लिए किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जाए, जिसके बाद इन्हें एक नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर इन्हें मुंतकिल किया गया और 90 रोजा तहवील में लेने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि कानूनी माहरीन का कहना है कि डॉक्टर आसिम केस में रेंजर्स ने इन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा बताखोरी के वाकयात जो है और अगवा बराए तावान लियारी गैंगवार से ताल्लुकात होने की वजह पर जो है इन पर कोई मुकदमा कायम करके इन्हें तहवील में लिया जा सकता है। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया जावेद कायम खानी, आपने अपडेट किया।